बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वाईकुम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं, मैं तो यासिर इरफान। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज चैप्टर 8 हम शुरू करने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर फाइनल। डियर स्टूडेंट्स, कुछ फार्मूलाज है, हमने फंडामेंटल लॉ जो है वो हमने इसकी डेरिवेशन ऑलरेडी अपलोड की हुई है, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स और कराची बोर्ड आप उसको उसमें देख सकते हैं। आइए इन कुछ फार्मूलाज को पहले हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे कि जैसे आपको ये दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो किसकी इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। इसी तरह से कॉस अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन। प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। इसी तरह से टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है? टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। माइनस का भी लिख देते हैं, यहीं पे माइनस होगा ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा। वन प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ये हमारे पास जो है फार्मूला से 2, 4 और 7, 8 से फार्मूला से हमारे पास 6। इन फार्मूलाज को वन बाय वन इन एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल लॉ जो है वो हम उसको ड्राइव कर चुके हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड की प्लेलिस्ट अलग है, फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड की अलग है, सेकंड ईयर कराची बोर्ड अलग है, ओ लेवल्स अलग है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसको आप जरा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल हमने आपको दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। तो आइए हम पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा मींस 180 और बीटा मींस 60। तो ये हो गया आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो कॉस 180 माइनस 1 होता है, कॉस 60 1 अपॉन 2 होता है, साइन 180 चूंकि 0 होता है तो साइन 60 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया 120 और ये मेरे पास आ गया कॉस, इसको प्लस कर लीजिए। तो आपने देखा कि हमारे पास कॉस 180 प्लस 60 की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 2। इसी तरह से इसी के साथ ही हम माइनस वालों को भी अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, बस ये ध्यान में रखना है आपने। तो डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं इसको भी। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस 180 माइनस 60, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 180 कॉस 60, माइनस है तो ये प्लस आएगा, साइन 180 साइन 60। तो ये मेरे पास आ जाएगा आपके पास, जो भी प्लस हो जाएगा कॉस 180 अगेन माइनस होता है, कॉस 60 वन अपॉन 2 होता है, साइन 180 0 होता है, तो लिहाजा साइन 60 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 60 में से 20, तो ये कॉस 120 की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं साइन अल्फा प्लस माइनस के लिए और टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस के लिए। तो आपने देखा कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन। तो ये हो गया अल्फा 180 प्लस बीटा आपके पास आ गया 60,
ये हो गया साइन सिक्स 180, कॉस बीटा है 60, कॉस अल्फा 180 और साइन बीटा 60, तो ये हमारे पास आ गया 240। साइन 180 तो जीरो होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। कॉस 180 चूंकि माइनस वन होता है, साइन 60 रेडिकल 3/2 होता है, तो साइन 240 मेरे पास आ गया। ये फैक्टर तो जीरो हो गया, माइनस रेडिकल 3/2। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 60, तो ये हो गया साइन अल्फा 180, कॉस बीटा 60 माइनस कॉस अल्फा 180 और साइन बीटा 60, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 120 डिग्री। ये 120 डिग्री हो गया, साइन 180 जीरो होता है, तो कॉस 60 डिग्री अपनी जगह रहेगा। कॉस 180 माइनस वन होता है और साइन 60 अभी मैंने बताया कि रेडिकल 3/2 होता है, तो साइन 120 आपके पास आ गया रेडिकल 3/2। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन के भी प्लस का और माइनस का दोनों का निकाल लिया, अब टेंजेंट रह गया, तो आइए हम टेंजेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा अल्फा मीन्स 180 डिग्री, बीटा मीन्स 60, तो ये हो गया टेंजेंट 180 प्लस टेंजेंट 60 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा 180 डिग्री, टेंजेंट बीटा 60 डिग्री, तो ये हो गया आपके पास टेंजेंट 240 डिग्री। टेंजेंट 180 जीरो होता है, टेंजेंट 60 ये वैल्यू निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 1 ये जीरो हो गया, और ये हमारे पास आ गया टेंजेंट 60। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आ गया टेंजेंट 240 डिग्री, टेंजेंट 60 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये इसका आंसर आ गया 0.32 के करीब इसकी वैल्यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को आपसे डिस्कस किया है, 8.1 एक्सरसाइज फेडरल बोर्ड। आप तमाम स्टूडेंट्स जिस क्लास के भी हो, आपके प्लेलिस्ट पे जाना है और अपनी प्लेलिस्ट पे जो भी आपके सामने प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी क्लास की, उसमें आपको जाएंगे तो आपको कंसर्न तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्री जासिर फात। थैंक यू सो मच।